तो नमस्कार आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। सबसे पहले आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरे कहने पे ट्वीट किया ट्विटर पर @ShamsTahirKhan। जिन लोगों ने नहीं किया वो भी कर लें, मैं लगातार अभी बोलता रहूँगा। और फिर वही ये भी कहूँगा कि बस करें, ये मत पूछें कि क्यों करना है, अच्छा लगता है। तो उन लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू जिन्होंने ट्वीट फॉलो किया ट्विटर पर। और बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कर लें, और जिन जिन लोगों को मुझे मौका मिलेगा मैं खुद फॉलो करूंगा उनको भी, अपनी पूरी क्राइम तक फैमिली को, जितनी ज़्यादा को मतलब मुझसे बन पाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे, आज की कहानी पर। कहानी आज भी कुछ और थी, लेकिन फिर अचानक आजकल इतनी सारी डेवलपमेंट, इतनी चीज़ें आ रही हैं, मुझे लगता है आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। एंटीलिया, सचिन वाजे, ये सब सारी बातें हो गई, कल आपको डिटेल में भी सब कुछ समझा दिया। एक सवाल अब भी अपनी जगह कायम है, और वो है मनसुख हिरेन की मौत। मनसुख हिरेन की मौत का सच क्या है? कौन है उनका कातिल? क्यों कत्ल किया गया? कत्ल कहाँ हुआ? कत्ल के वक्त कौन कौन लोग शामिल थे? उनका मोबाइल फ़ोन कहाँ है? NIA एंटीलिया केस की जांच कर रही है, क्योंकि वो टेरर एक्टिविटीज़ के तौर पर शुरू में उस केस को उसने लिया था। महाराष्ट्र ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर रही है, क्योंकि कत्ल का मामला आमतौर पर NIA इसको जांच नहीं करती। लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि शायद NIA ATS से मनसुख हिरेन की मौत का मामला भी अपने पास ले ले और वो इसकी जांच करे। अब यहाँ एक बड़ा सिंपल और क्लियर चीज़ है, NIA चूँकि जैसा मैंने कहा कि सिर्फ टेररिज्म से जुड़े हुए चीज़ों की ही मामले की जाँच करती है, मर्डर और कत्ल की नहीं। अगर मनसुख हिरेन के मौत के मामले की जांच NIA ने ऑफिशियल ले ली, जैसे ही आप लोगों तक ये खबर पहुंचे, तो इस खबर के साथ आपके पास एक सवाल का जवाब अपने आप आ जाएगा। सवाल ये कि मनसुख हिरेन का कातिल कौन है, किसने मारा? अगर NIA ये जांच ले लेती अपने हाथ में ऑफिशियली, तो फिर मान लीजिए कि मनसुख हिरेन को उन्हीं लोगों ने मारा है जो एंटीलिया की साजिश में शामिल हैं। उनमें से एक सचिन वाजे अभी कस्टडी में है, बाकी क्राइम ब्रांच CIU यूनिट के लोगों से पूछताछ हो रही है। तो NIA का मनसुख हिरेन की केस को अपने हाथ में लेने का मतलब सीधा सीधा यही होगा कि जो लोग इसमें सस्पेक्टेड हैं, संदिग्ध हैं, वही लोग मनसुख हिरेन के कातिल हैं। तो इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि NIA तभी इस केस को लेगी जब एंटीलिया के साथ उसका कनेक्शन बैठेगा। ये तो हो गई कानूनी पेचीदगी की बात। अब मनसुख हिरेन की मौत का सच क्या है, इसको समझने के लिए आज बहुत दो तीन खास चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपको याद होगा 17 फरवरी की शाम 6 बजे के करीब ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मनसुख हिरेन ने यह कहा था कि उनके स्कॉर्पियो चोरी हो गए, जिसकी रिपोर्ट 18 फरवरी को उन्होंने विक्रोली थाने में लिखाई। इसके बाद ये खुलासा हुआ कि मनसुख हिरेन और सचिन वाजे एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर एक खबर ये भी आई कि 17 फरवरी को ही मनसुख हिरेन की जब गाड़ी ख़राब हुई, उसके बाद वो मुंबई पहुंचे, CST के पास गए। मैंने आपको क्राइम तक की कहानी में बहुत पहले ये बात बताई थी, और वहां पर किसी पुलिस अफसर से मिले। तो वो पुलिस अफसर कौन था? कहा गया कि सचिन वाजे हो सकते हैं। सचिन वाजे से ये बात पूछी गई जब मैं मुंबई गया था इसी सिलसिले में, तो सचिन वाजे से मैंने भी पूछा कि क्या आप 17 फरवरी को या 17 से 25 फरवरी के बीच मनसुख हिरेन से मिले थे? उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी मुलाकात नहीं, यहाँ फ़ोन पर कई बार पहले बात हुई है, लेकिन 17 फरवरी को मनसुख हिरेन से मिलने की बात को उन्होंने सरासर नकार दिया। अब ये झूठ पकड़ा गया, और इससे पूरी कहानी कहाँ जाएगी ये आगे आपको पता चलेगा। कैसे पकड़ा गया? जो NIA है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसको एक मर्सिडीज गाड़ी मिली थी सचिन वाजे के क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर पार्क। उस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर नोट गिनने वाली मशीनें मिली, ₹6,00,000 मिले, पेट्रोल डीजल के बोतल मिले, कुछ कपड़े मिले। उस गाड़ी की जब जांच आगे बढ़ी तो फिर खंगाला गया CCTV फुटेज, तो एक तस्वीर निकल कर आती है 17 फरवरी की। याद रखिए 17 फरवरी वही दिन है जिस दिन स्कॉर्पियो चोरी हुई है। 17 फरवरी को काली मर्सिडीज मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर क्राइम ब्रांच CIU का जो दफ्तर है, उस दफ्तर के बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद हो गई, और उस गाड़ी में बैठे थे सचिन वाजे। इसके बाद पहले वो गाड़ी अंदर आती है, आते हुए कैद हो गए। 17 फरवरी की शाम को ये काली मर्सिडीज़ फिर से क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर निकलती है,
और इस बार भी उसमें बैठे हुए थे अकेले सचिन वाजे। अब इसके बाद ये गाड़ी सीसीटीवी में कैद होती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है सीएसटी जिसे हम कहते हैं उसके एक चौराहे पर, एक लाल बत्ती पर। रात के करीब 9 बजे थे, 17 फरवरी की तारीख थी। 9 बजे सीएसटी के बाहर एक रेड लाइट एरिया जो लाल बत्ती थी जहाँ पर, वहाँ ये गाड़ी सड़क किनारे चल रही होती बड़ी धीमी रफ्तार में, और ये अचानक पहुँचती एक ट्रैफिक लाइट के पास। लेकिन उस वक्त सिग्नल ग्रीन था, हरा, मतलब उस गाड़ी को आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये काली मर्सिडीज़ आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उस सिग्नल से पहले ही ग्रीन सिग्नल के बावजूद सड़क किनारे खड़ी हो जाती है और पार्किंग लाइट ऑन कर दिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे में साफ है इस काली मर्सिडीज़ में सचिन वाजे बैठे हुए थे ड्राइविंग सीट पर। कुछ सेकंड के बाद अचानक इस मर्सिडीज़ के बाईं तरफ एक शख्स आता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। उस शख्स का जो चेहरा दिखाई दिया सीसीटीवी में वो कोई और नहीं, मनसुख हिरेन। मनसुख हिरेन के FIR के हिसाब से 17 फरवरी की शाम 6 बजे एक्सप्रेस हाईवे पे उनकी स्कॉर्पियो ख़राब होती है, वहाँ से वो कैब पकड़ते हैं और कैब पकड़ने के बाद मुंबई आते हैं। जिस कैब में मनसुख हिरेन ट्रैवल कर रहे थे उस कैब के ड्राइवर से जब NIA ने पूछताछ की तो उसने बताया कि पूरे रास्ते के दौरान मनसुख हिरेन के मोबाइल पर 5 बार कॉल आए। NIA के मुताबिक ये 5ों कॉल सचिन वाजे ने किए थे। मनसुख हिरेन जब कैब में बैठे तो उन्होंने पहला ये कहा कि उन्हें मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के करीब जाना है। जो कैब ड्राइवर को आमतौर पर बुक करते हैं आप बैठते हैं तो उसमें यही कहते हैं। लेकिन जब दोबारा फ़ोन आया तो उन्होंने अपना लोकेशन बदल दिया, उन्होंने कहा कि अब मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर नहीं जाना बल्कि हमें CST के बाहर ले चलो। उसके बाद वो CST के बाहर ड्राइवर उनको छोड़कर चला जाता है। 6 बजे के आसपास वहाँ से निकलते हैं, 7:30-8 के करीब वहाँ पहुँचते हैं। 9 बजे सचिन वाजे अपनी काली मर्सिडीज़ में आते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं। अब उस CST के बाहर मर्सिडीज़ पर बैठने के बाद दोनों के गाड़ी वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। इसके बाद CCTV के फोकस कैमरे से वो गायब। कुछ मिनट के बाद यही काली मर्सिडीज़ उसी इलाके में अब GPO के सामने दिखाई देती है और कैद हो जाती है कैमरे में। GPO के सामने ये मर्सिडीज़ जाकर जहाँ पे रुकती है वहाँ कैमरे में ये गाड़ी आ जाती है। कैमरे को जब देखा गया, CCTV को खंगाला गया, तो उस गाड़ी में उस वक्त भी सचिन वाजे और मनसुख हिरेन बैठे हुए थे। ये गाड़ी GPO के सामने सड़क किनारे करीब 10 मिनट तक पार्क रहती है। 10 मिनट तक दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। 10 मिनट के बाद गाड़ी का बायां दरवाज़ा जो ड्राइवर के बराबर की है वो खुलता है। मनसुख हिरेन मर्सिडीज़ से बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ निकल पैदल ही चले जाते हैं। इधर मनसुख हिरेन के निकलते ही सचिन वाजे मर्सिडीज़ स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ देर के बाद इस मर्सिडीज़ को फिर से जो कैमरे में कैद किया वो वापस मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के हेडक्वार्टर में दफ्तर में वापस आकर इसको पार कर दिया गया। तो 17 फरवरी की ये तस्वीरें हैं। अब ये तस्वीर क्या कहती हैं? पहली चीज़, सचिन वाजे ने इनकार किया कि 17 फरवरी को वो मनसुख हिरेन से नहीं मिले। ये CCTV तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि 17 फरवरी को वो मिले, वो भी रात 9 बजे मिले। इसी मुलाकात के दौरान NIA को शक है कि मनसुख हिरेन ने जो स्कॉर्पियो खड़ी कर दी थी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, उसकी चाबी सचिन वाजे को बैठ कर दी उस मर्सिडीज़ में। सचिन वाजे वापस क्राइम ब्रांच के दफ्तर आते हैं, ये चाबी अपने किसी साथी को देते हैं, पुलिस वाले को। वो जाता है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जहाँ गाड़ी पार्क थी, उसी चाबी से वो गाड़ी स्टार्ट करता है और इस स्कॉर्पियो को लेकर वो सीधे सचिन वाजे के घर थाने में साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पहुँच जाता है और वहाँ गाड़ी पार्क करके चला जाता है। तो इन तस्वीरों से ये कड़ियाँ तो जुड़ गई। अब जो बात है कि इससे मनसुख हिरेन की मौत का क्या लेना देना। NIA को इस गाड़ी से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बाद NIA को शक है और कुछ चीज़ें हैं जो सिलसिलेवार जुड़ रही कि 4 मार्च की रात 8 बजे मनसुख हिरेन के पास उनके घर पे एक कॉल आया। किसी कांदीवली क्राइम ब्रांच के एक अफसर जिसका नाम तावड़े, उसने बुलाया पूछताछ इंट्रोगेशन के लिए। मनसुख हिरेन अपनी पत्नी और बेटे से कहते हैं कि ये क्राइम ब्रांच का अफसर उनकी इस एंटीलिया केस की जांच में मदद कर रहा है। उसके बाद वो 8:15 बजे घर से निकल जाते हैं और फिर गायब। अगले दिन सुबह उनकी लाश मिलती है। NIA को शक है कि जो काली मर्सिडीज़ है ये मनसुख हिरेन की मौत में भी इस्तेमाल की गई है
और इस शक की कई वजह हैं। पहली, मनसुख हिरेन जब घर से निकले और कांदीवली क्राइम ब्रांच तक जब वो गए तो उन्होंने पहले एक ऑटो लिया था, उसके बाद उस ऑटो को कहीं छोड़ दिया। रात के वक्त मनसुख हिरेन को अगवा करना थोड़ा सा मुश्किल काम था क्योंकि लोग जाग रहे थे, सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी थी। चूंकि ये मर्सिडीज़, काली मर्सिडीज़ को मनसुख हिरेन जानते थे कि ये सचिन वाजे की है, तो किसी ख़ास तय जगह पर मनसुख हिरेन को बुलाया गया, काली मर्सिडीज़ में बिठाया गया और उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि ये मर्सिडीज़ किसकी है, मालिक कौन है, और सचिन वाजे को भी जानते हैं। उसके बाद वो उसमें बैठकर चले गए। शक ये है कि इसके बाद उसी मर्सिडीज में पहले मनसुख हिरेन के साथ मारपीट की गई और फिर मुमरा क्रीक के करीब ले जाकर उन्हें पानी में डाल दिया गया। उसकी वजह यह है कि जब उनकी मौत की जो रिपोर्ट आई उसमें यह है कि उनको जिंदा पानी में फेंका गया था। तो अब यहां पर एनआईए का यह मानना है कि जिस तरीके से मनसुख हिरेन मर्सिडीज में बैठे वो उन्हें कोई शक नहीं हुआ था उन्हें, क्योंकि वो सारे उनके जानकार थे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि 4 मार्च की उस रात अगर मनसुख हिरेन काली मर्सिडीज में बैठे तो उस मर्सिडीज में उनके अलावा और कौन कौन था, क्योंकि सचिन वाजे अकेले मनसुख हिरेन पे काबू नहीं पा सकते। सचिन वाजे खुद उस कार में मौजूद थे या उनकी क्राइम ब्रांच की यूनिट के कुछ 2-3 पुलिस वाले थे, लेकिन कम से कम ये है कि उस कार में मनसुख हिरेन के अलावा 2 से 3 और लोग होंगे। और उन्होंने ये काम किया, इस गाड़ी में मनसुख हिरेन की मौजूदगी के लिए फॉरेंसिक जांच बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक बार चुके इसी सीसीटीवी में 17 फरवरी को कि वो मर्सिडीज़ में बैठे, हो सकता है उसके अंश निकल आए, लेकिन 4 मार्च को वो बैठे, अगर उनके साथ मारपीट हुई गाड़ी के अंदर, चोट के निशान भी है, कोई ऐसा नमूना, कोई ऐसा सबूत मर्सिडीज़ के अंदर से बरामद हो जाए तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि मनसुख हिरेन 4 मार्च को जब निकले थे तो इसी मर्सिडीज़ में उनको कहीं ले जाया गया और फिर उसके बाद उनकी मौत हुई। तो मर्सिडीज़ के साथ रिश्ता एस्टेब्लिश होते ही कातिलों के साथ भी कनेक्शन जाकर जुड़ जाएगा, और इसीलिए एनआईए इस काली मर्सिडीज़ को बहुत अहमियत दे रही है। इत्तेफाक की बात देखिए कि इस पूरे एंटीलिया केस में, मनसुख हिरेन की मौत में, गाड़ियों का बड़ा रोल है। सबसे पहले एक स्कॉर्पियो जिसको एंटीलिया के बाहर जेलेटिन और धमकी भरे खत के साथ पार किया गया, उस स्कॉर्पियो का ड्राइवर एक इनोवा में बैठता जो मुंबई पुलिस की है। इसके अलावा ये काली मर्सिडीज जिसमें से पैसे मिलते हैं, जिसमें अब ये भी शक है कि मनसुख हिरेन को ले जाया गया। तो कुल मिला के इस केस में गाड़ियों का अजीब रोल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया स्कॉर्पियो, फिर इनोवा, फिर काली मर्सिडीज। इसके अलावा जब एनआईए की टीम सचिन वाजे के घर पहुंची तो वहां से एक और 2 महंगी महंगी गाड़ियां वो भी उन्हें वहां मिली। तो एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के रैंक पे उसके पास से मर्सिडीज़, लैंड रोवर और एक और भी महंगी गाड़ी, तो महंगी गाड़ियों में चलने का शायद शौक था, और 2 और प्राइवेट गाड़ियां हैं जिसका एनआईए को खुलासा हुआ। तो कुल मिला के करीब 4-5 ऐसी गाड़ियां जो बेहद महंगी हैं वो जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे किया करते थे। तो अब ये भी जाँच होगी कि आखिर इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ वो कहाँ से लेकर आते थे। और सबसे बड़ी बात कि जिस गाड़ी से साजिश की शुरुआत हुई, जैसे स्कॉर्पियो से, मुझे लगता है कि अगर एनआईए का शक सही है तो काली मर्सिडीज से इस साजिश का खात्मा हो जाएगा। ये तो कहानी का एक पहलू है जो मनसुख हिरेन की मौत से पर्दा उठा सकता है। एक दूसरा, एक बहुत सारा सवाल है बहुत सारे लोगों का भी, और वो अभी भी एक रहस्य है कि तावड़े कौन है, क्योंकि जब 4 मार्च की रात 8 बजे मनसुख हिरेन के मोबाइल पर फ़ोन आया और कहा कि कांदीवली पुलिस स्टेशन से कोई तावड़े साहब हैं जिनको बुलाया, पूछताछ के लिए बुला रहा है, तो वो घर से 8:15 निकले थे, तो आज तक ये पता नहीं चला कि क्राइम ब्रांच में तावड़े कौन है। कल जो ATS, चूँकि ATS जांच कर रही है मनसुख हिरेन की मौत की, उसने कांदीवली के क्राइम ब्रांच यूनिट 11 में तैनात एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया। अब जैसे ही पूछताछ के बुलाया उसके बाद बहुत सारी बातें होने लगी। उसकी वजह है, ये सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जो है इनका नाम है सुनील माने, और सुनील माने से लंबी पूछताछ हुई। ATS ऑफिशियल ने कहा भी कि हमने पूछताछ की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा भी हम कुछ बताएंगे नहीं। अब लेकिन इस पूछताछ का बेस क्या है, कहीं ना कहीं ATS को एक डाउट है,
वो ये है कि 4 मार्च को जब मनसुख हिरेन घर से निकले तो उन्होंने बीवी और बेटे को कहा कि वो जा रहे हैं कांदीवली क्राइम ब्रांच के दफ्तर, तावड़े साहब ने बुलाया। तो हो सकता है मनसुख हिरेन ने नाम कुछ और लिया, सुनने में तावड़े लगा। अब यहाँ जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ये सुनील माने, तो बहुत मुमकिन है कि मनसुख हिरेन ने माने बोला, इन्होंने तावड़े सुन लिया। और इसकी वजह शक की एक और भी है, उन्होंने कहा कांदीवली पुलिस स्टेशन, वहाँ क्राइम ब्रांच 11 जो यूनिट 11 है उसका दफ्तर कांदीवली में ही है और मनसुख हिरेन कांदीवली ही कहकर निकले थे। तो क्या सुनील माने ही तावड़े? इस बारे में एटीएस का कहना है कि फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि माने और तावड़े एक शख्स हैं, लेकिन एटीएस इस बारे में पूरी जांच कर रही है। इसके अलावा एक और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से भी एटीएस पूछताछ कर रही है जो ठाणे क्राइम ब्रांच से जुड़े हैं और सचिन वाजे के करीबी हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ मौत के मामले की जाँच, एक तरफ एंटीलिया की जाँच, और खबर ये भी है कि हो सकता है दोनों केसों का रिश्ता जुड़ जाए तो एनआईए मनसुख हिरेन की मौत को भी अपने पास ले ले और वही इस बात की जांच करे। तो आज कहानी में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।